हाय गाइस, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको चीजें फिटनेस से रिलेटेड बताई जाती है वो लॉजिकल होती है। बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का चना सत्तू। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और एक भाई है उनके कहने पे जो यंगस्टर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये सोच रहे हैं कि ये प्रोटीन का अल्टरनेट है। सो, आज मैं इसके बारे में कुछ लॉजिकल आपको बताऊंगा कि इसको क्यों नहीं लॉन्ग टर्म तक यूज करना चाहिए। हर चीज के पीछे कारण है। मैं बिना मतलब कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलता जब तक चीज की पूरी इन्वेस्टिगेशन ना कर लूं। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमारे देश में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फिटनेस अचीव तो करना चाहते हैं पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए वो छोटी छोटी चीजों में घुसने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दाल में या सोयाबीन में। सो, आज का जो टॉपिक है जिसमें पर्टिकुलरली बात करूंगा वो चना सत्तू है। और जो यंगस्टर्स है, यूथ है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं इससे उनकी फिजिक बन जाएगी या वो एक बॉडी बना पाएंगे या वो फिटनेस अचीव कर पाएंगे। तीनों चीजों के बारे में बात करूंगा। आपको एक बात बताना चाहूंगा, चाहे फिटनेस हो या बॉडी बिल्डिंग हो, चना सत्तू एक वे प्रोटीन का अल्टरनेट नहीं है। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स आप देखते होंगे, मिस्टर ओलंपिया या जो भी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होती है उसमें आप एक चीज देखते होंगे, ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं इनका मसल मास होता है। आप देखेंगे उनके अंदर फैट नहीं होता है या जिसको हम चर्बी बोलते हैं वो नहीं होता, उनके अंदर मसल मास होता है और बहुत शार्पनेस होती है, तभी वो उस कॉम्पिटिशन में जाते हैं। और उनकी नर्व्स मतलब उनकी नसें भी दिखती है, इतनी फाइन होती है उनकी बॉडी, क्योंकि उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम होता है। यही कारण है कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत पर्टिकुलर होते हैं लोग जो अपने खाने को लेके या डाइट को लेके बहुत सोच समझ के खाते हैं हमें क्या खाना चाहिए और बैलेंस डाइट होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, फिटनेस के ऊपर भी आएंगे। बेसिकली अगर आप चना सत्तू का कंजप्शन करते हैं तो वो एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्ब्स अगर आप एक्सेस में लेते हैं, अब ये तो है नहीं कि आपने आज चना सत्तू खा लिया आप और कुछ खाएंगे नहीं, आप और रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खाएंगे, लेकिन उस हिसाब से आपकी एनर्जी अगर बर्न नहीं हो रही है, क्योंकि सभी लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या जॉब जाते हैं या कहीं भी कुछ भी काम करते हैं तो सिटिंग जॉब ही होती है। फिजिकल वर्क आजकल बहुत कम हो गया क्योंकि खेतों में काम करने वाले लोग बहुत कम है और मैं उनके बारे में बात कर भी नहीं रहा हूं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो आजकल स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कम सैलरी पा रहे हैं, कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, तो वो ये सोच रहे हैं चना सत्तू खाने से बॉडी बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय फ्रेंड्स। ये सिर्फ जो भाई है वो आप लोगों को अपनी खुद की मार्केटिंग या मैं अपने को कुछ अलग दिखा सकूं या मैं गरीबों का मसीहा बन सकूं, इस पर्पस से अपना एक बेस क्रिएट कर रहे हैं। और वो बेस क्रिएट होने के बाद में वो अपने जो बोलते प्रोग्राम्स बेच रहे हैं या आपको एक लड़का है वो दिखाते हैं जिसके साथ वो दिखाते हैं वर्कआउट की वीडियोस, उसको शो करते हैं कि ये नेचुरल बॉडी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बिना नाम लिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए होंगे क्योंकि उनको पिछले कुछ दिनों से मैं रोस्ट करने में लगा हूँ और उनकी जो हकीकत है वो रिवील कर रहा हूँ। अब जिस लड़के को वो ट्रेन कर रहे हैं उस लड़के की बॉडी टाइप देखना यार, हमें भी करीब इतना एक्सपीरियंस हो गया 23-24 साल का फिटनेस में, हम भी देख रहे हैं, दुनिया देखी है, बहुत सारे लोग देखे हैं, इतनी शार्पनेस और इतनी फाइन बॉडी बिना स्टीरोइड्स के नहीं हो सकती। वो उनको स्टीरोइड्स यूज करा रहे हैं लेकिन आप लोगों को क्या शो किया जा रहा है कि ये बॉडी चना सत्तू खा के या नेचुरल डाइट से बनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वीडियो बनाने छोड़ दूंगा अगर उस लड़के का आप टेस्ट करा लो कोई भी जाके, क्योंकि मैं तो रहता बहुत दूर हूं, मैं कर नहीं सकता, या वो भाई उसका टेस्ट करा के दुनिया को प्रूव करके दिखा दे कि इस भाई की नेचुरल बॉडी है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ ये हो रहा है आपको दिखा के कुछ और बरगलाया जा रहा है, आपको ये शो किया जा रहा है कि मैं इतना सुपर हूं कि चना सत्तू खा के ऐसी बॉडी अचीव करने में आपकी हेल्प करूंगा। सो, इस तरह के लोग क्या होते हैं, वो फेक होते हैं, नकली होते हैं, होते कुछ है दिखाते कुछ है। खैर, मेरे को उसके साथ पर्सनल किसी बहस में नहीं घुसना है। अब बात करते हैं चना सत्तू के नुकसान की। होता क्या है, आप चना सत्तू अगर खाएंगे लॉन्ग टर्म तक उससे आपका कार्ब्स इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे आपके कार्ब्स बॉडी में इंक्रीज होंगे और वो यूटिलाइज नहीं होंगे, मतलब अगर आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे, देखो हर चीज का एक लेवल होता है, टैंकी में पानी भी होता है, उस लेवल तक भरा जा सकता है, उसके बाद वो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक इसी तरह से कार्ब्स अगर आप जितने लिमिटेड हैं उतने लेंगे तो ठीक है, ज्यादा लेंगे तो क्या होगा,
आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ेगी और आपका वेट गेन होगा, जिसको नए नए बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरी बॉडी बन रही है। भाई वो आपका मसल मास नहीं बढ़ रहा, वो आपकी बॉडी में फैट गेन हो रहा है, आपकी बॉडी में चर्बी बढ़ रही है। इसके एडवर्स इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा, सुन के आप शॉक हो जाएंगे कि क्या फर्क पड़ने वाला है। दूसरी बात, जो बंदे बहुत स्कीनी है, बहुत पतले होते हैं, जिनकी हड्डियां निकल रही होती है, इनकी बॉडी में मास बिल्कुल भी नहीं होता, वो चना सत्तू को एज ए कार्ब सोर्स इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अब असलियत बताऊंगा तुम्हें, होता क्या है इसका नुकसान। अगर आप चना सत्तू खाते हैं, ये बेसिकली गर्मियों का फूड होता है, जिससे आपके शरीर की तासीर को ठंडा किया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, तासीर ठंडे करने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जो महात्मा होते हैं या बेसिकली एक स्पेसिफिक धर्म के लोग हैं, जो आपको ये बोलते हैं कि आप प्याज मत खाइए, लहसुन मत खाइए या मसालों का कम कंजप्शन करिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये चीजें खाते हैं, प्याज लहसुन या नॉन वेज खाते हैं या आप मसाले ज्यादा खाते हैं, तो आपके शरीर की कामुकता मतलब सेक्स करने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती है इन चीजों से। और महात्मा लोग इन चीजों से दूर रहते हैं, इसलिए वो आपको बोलते हैं सत्तू अगर आप खाएंगे, वो आपकी बॉडी की जो ये कामुकता होती है उसको लॉन्ग टर्म तक ठंडा करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स की वीडियो में क्लिप दिखाऊंगा जो ये बात कह रहे हैं कि अगर आप सत्तू का लॉन्ग टर्म यूज करेंगे आपका स्पर्म काउंट कम होगा। स्पर्म का मतलब आपके शुक्राणु। अब आप ये मत सोचना कि क्वांटिटी से शुक्राणु होता है, क्योंकि जैसे भी आप अगर मास्टरबेट करते हैं या आप सेक्स करते हैं किसी के साथ में, तो आपका क्वांटिटी ऑफ स्पर्म ज्यादा निकला है वो काउंट नहीं होता। काउंट होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, जो कि आप आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। सो उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से आपकी फर्टिलिटी मतलब आप बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाएंगे अगर आप लॉन्ग टर्म करेंगे, क्योंकि दूध का और चने का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेदिक जो स्टडीज है वो कहती हैं इस बारे में। अब कुछ लोगों को वहम हो गया कि ये हमें करना ही करना है या जिद में, तो आप भाई कुछ भी कर सकते हैं, मैं होता कौन हूँ आपको रोकने वाला, आपकी लाइफ है। मेरा मेन मोटो जो है वो आप लोगों को सही गाइडेंस देना है, आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। एक और मैं आपको इसके पीछे उदाहरण दूंगा, कुछ लोग सोचते हैं बियर पीने से बॉडी बनती है, बियर जो है आपके शरीर को फुलाती है। बॉडी बनाने का मतलब या फिटनेस का मतलब होता है आपका शरीर प्रोपोर्शनेट रहे, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज उतनी रहे जितनी जरूरी है, और आपका मसल मास रहे। मसल मास का मतलब मसल्स, आप समझ रहे होंगे। फैट का कभी साइज नहीं बढ़ता और चर्बी का कभी साइज नहीं बढ़ता। तो ये दोनों चीज अगर आप सत्तू हो या आप जिसको जो बोलते हैं जिससे बियर बनती है, उससे आपका फैट परसेंटेज या आपकी बॉडी में चर्बी बढ़ेगी, आपका मसल नहीं बढ़ता, वो आपको मोटा करेगा, वो आपका बेली फैट टमी जिसको पेट बोलते हैं वहां से आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा और आप सोचेंगे कि मेरी तो बॉडी बन रही है। इससे बाहर आ जाइए। मसल मास का मतलब होता है आपकी बॉडी में शार्पनेस, मसल्स जो होते हैं वो दिखाई दें, जिसको हम डोला बोलते हैं, या आपकी चेस्ट पे जो साइज होता है वो कभी भी सत्तू से नहीं बनेगा। वे प्रोटीन का एक अलग रोल होता है, वे प्रोटीन अगर आप लेते हैं वो आपकी बॉडी के जितने भी मसल्स टूटते हैं उनको फास्ट रिकवर करता है, उसका और सत्तू का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि प्रोटीन का काम होता है मसल बनाना और कार्ब्स का काम होता है एनर्जी देना। तो सत्तू पी के आप एनर्जेटिक जरूर फील कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेस में लेंगे, ज्यादा लेंगे, तो मैंने जैसा आपको बताया स्पर्म काउंट के साथ आपकी एनर्जी भी ओवर होने के बाद आपको आलसी बनाएगी, क्योंकि आप मोटापा गेन करेंगे और मोटे होने के साथ आप लिथार्जिक हो जाएंगे। लिथार्जिक का मतलब आलसी हो जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो स्टडीज को नहीं मानते, आयुर्वेद की स्टडीज को नहीं मानते, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात समझाना चाहूंगा। जैसे जैसे आपका वेट गेन होता है वैसे वैसे क्या होगा, आपकी बॉडी फूलती जाती है। आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, उनकी मूवमेंट्स बॉडी में फास्ट नहीं होता। प्रोटीन कंजप्शन से आप स्पीड और एक्टिव रहेंगे, स्पीडी और एक्टिव मतलब आप बहुत ज्यादा फास्ट रहेंगे, आपके अंदर आलस बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपकी डाइट में कार्ब्स की मात्रा बढ़ गई है तो आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे स्लो होता चलाएगा, आप आलसी हो जाएंगे और मोटापा गेन करना स्टार्ट करेंगे। तो मोटे लोग जो होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर की एक प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि उनके वेन्स जो होते हैं वो मोटापा धीरे धीरे आपकी जो खून की नलियां होती है, वेन्स और जो कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी जो खून की नलियां होती है, उनमें
जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर इरेक्शन मतलब इरेक्टाइल डी फंक्शन जिसको बोलते हैं, मतलब आप सेक्स करने के लायक नहीं बचते हैं अगर आप ज्यादा वेट गेन करते हैं। ये बातें मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूं क्योंकि नई जो बच्चे हैं 25 साल तक की एज के, वो चला सकते हो खाएं कुछ भी खाएं, उनका थोड़ा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग 30 प्लस चले जाते हैं, वो अगर चला सत्तू का रेगुलर कंसप्शन करेंगे तो उनको ये फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होगी डाइजेशन के साथ में, आपकी स्पीड स्लो होगी, आप वेट गेन करेंगे, आपको वेट गेन के साथ में ब्लड प्रेशर के साथ में और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और जैसा कि एक आचार्य जी है, मैं उनकी वीडियो आपको दिखा देता हूँ लास्ट में, उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है अगर आप चना सत्तू का रेगुलर कंसप्शन करेंगे तो आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, आप बच्चा पैदा करने लायक नहीं बचेंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी डाइट फॉलो करिएगा। देखिए ये तभी दिया जाता है दूध के साथ यदि किसी को कफ जुकाम हो। मैं एक बार थोड़ा पीछे कर देता हूँ वीडियो। बेसन ये, और अंत में मैं बताना चाहता हूँ वो है सत्तू, चने का आटा, बेसन ये तभी दिया जाता है दूध के साथ यदि किसी को कफ जुकाम हो। तो अगर ऐसा लेने की आदत लेते हैं तो उससे वीर्य स्पर्म घटेगा। ये पांच चीजें ये आचार्य जी ने वीडियो में बोला है, तो आप अब इस बारे में बहस मत करना कि एक वो भाई साहब जो ज्ञान दे रहे हैं वो सही है और ये गलत है, इनकी और उनकी उम्र में और तजुर्बे में फर्क है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं आर्नोल्ड से बेटर आपको गाइड कर सकता हूँ या रोनी कॉलमैन जो है उनसे बेटर आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, तो वो आपको मेरे से बेहतर चीजें बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे लॉजिक्स भी, और ये जो महात्मा जी बता रहे थे या आचार्य जी जो बता रहे थे कि अगर आप चना सत्तू का सेवन करेंगे तो आपका स्पर्म काउंट कम होगा और आपकी जो है बच्चा प्रजनन करने की क्षमता जो है कम होगी। आशा है इस वीडियो में मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, क्या नुकसान होंगे आगे आपकी मर्जी है, आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, मेरा पर्सनल किसी से कुछ नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को सही गाइडेंस देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।